ये तो मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि ये मेरी USP है, तंदूरी चिकन ऐसा कोई नहीं बना सकता। ये आप हो गया सर एडल? हाँ जी, ये खा के देखो और फिर मेरे को बताओ। अमूल की टिक्की लेते हैं 100 ग्राम की, उसको गरम किया, उसके ऊपर डाल दिया, वो तंदूरी चिकन नहीं होगा, हार्ट ब्लॉक करने का सामान है वो। इतने सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं इस प्लेस को, लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअल में तंदूरी चिकन होता क्या है। ये कोई मैजिक तो नहीं है? ये देखिए थिकनेस इसकी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम अमृतसर में हैं और अमृतसर फूड सीरीज हमारी चल रही है। दोस्तों हमने बहुत सारे प्लेसेस आपको दिखाए ऑलरेडी है ना, बट ये जो प्लेस है ना, ये प्लेस मैं एक्चुअली यहाँ पर रिव्यू करने नहीं आया था। इस प्लेस के बारे में मैंने बहुत सुना है ना, क्योंकि बहुत सुना है तो मेरा एज एन फूडी मेरा मन करता है कि मैं उस प्लेसेस पर जाऊँ जिसका मैंने बहुत नाम सुना है, वो एक्चुअली जायका दे क्या रहे हैं। तो वो चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए। सुरजीत फूड प्लाजा इस प्लेस का नाम है। बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेस नहीं है, बट हाँ ये है कि यहाँ का खाना। सर एक बार आपका नाम बता दो पहले तो। अमरजीत सिंह मेरा नाम है। बहुत सुना है कि यहाँ का जो एक तो तंदूरी चिकन बिल्कुल बहुत फेमस बताया। मटन टिक्का, तंदूरी चिकन, अमृतसरी फिश, ये तो मेरे तीनों टॉप हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपके प्लेस के बारे में इस तरह से जाना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी आई हुई हैं। हाँ जी। तो मेरा सर आने का रीज़न यही था कि मैं आपसे जेन्युइनली थोड़ी देर बात करके आपका खाना टेस्ट करना चाहता था। ये तीन डिशेज, दो तीन डिशेज बिल्कुल कराएंगे आपको, खाना टेस्ट करवाएंगे, उसके बारे में बताएंगे भी ये कैसे बनता है और इसका प्रोसेस क्या है। और बात करते हैं अगर सेलिब्रिटीज़ की, तो जेन्युइनिटी जो होती है, जेन्युइन जो होता है ना पर्सन, वो कभी फेक काम नहीं करता। तो क्वालिटी अगर होगी तो सब आपसे मिलेंगे, सब बिल्कुल सर अप्रिशिएट करेंगे। तो कुछ बता देते सर आप मेरे को पुरानी बातें अमृतसर की, थोड़ा सा बताएं क्या क्या है। अमृतसर बहुत चेंज हो चुका है भैया। बात करें कि अमृतसर में जो भी देखो बाहर से आएगा ना, वो यही बोलेगा अमृतसर में जाना है तो कुलचा खाना है, अमृतसर में जाना है तो तंदूरी चिकन खाना है, अमृतसर में जाना है तो मटन टिक्का खाना है, ब्रेन खाने हैं। ये मतलब ऐसा एक उनको लगता है कि हम यहाँ जाएंगे तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अमृतसरी फिश खानी है, तो माइंड सेट होके आता है वहाँ से। बट यहाँ पे जब लोग आते हैं तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कुलचा तो ठीक है, हर कोई बना लेता है, हर जगह पे बन रहा है, छोटी छोटी जगह पे भी कुलचा बन रहा है, पर ऑथेंटिक जो तंदूरी चिकन है वो लोग भूल चुके हैं। वो लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअल में तंदूरी चिकन होता क्या है, मटन टिक्का क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है, ये किसी को बेसिक पता ही नहीं है। अब नई जो जनरेशन है ना वो काम करके खुश रहे, उनको टैक्सी वालों से सेटिंग करनी है, ऑटो वालों से सेटिंग करनी है, तो कस्टमर ले आना है वहाँ से तो कमीशन देके उनको भेज देना, तो कहाँ से लोग खुश होंगे अगर उनको क्वालिटी नहीं मिलेगी, अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी, मेहनत करनी पड़ती है, स्वर्ग जाने से पहले मरना पड़ता है। तंदूरी चिकन क्या है कि लोग उसको भी रोस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत कलर डाल दिया उसमें, क्या मसाले ऊपर से जो चाट मसाला होता है उनके पास वो डाल देते हैं। तो अमूल की टिक्की लेते हैं 100 ग्राम की, उसको गरम किया, उसके ऊपर डाल दिया, वो तंदूरी चिकन नहीं होगा, हार्ट ब्लॉक करने का सामान है वो। मेरा खाना सारा हेल्दी है, मैंने हेल्दी खाना ही देना। चलिए तो एक काम करते हैं सर, मेरे ख्याल से अब आपके किचन में चला जाए, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ बनाते हुए ग्लिप्स देख लेते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। चलो ठीक है ना सर, आओ चलते चलिए। ये है जी हमारा तंदूर, ये देसी घी है, ये उसके ऊपर डालने वाला हमारा अपना ही बनता है ये मसाला, चाट मसाला इसको बोलते हैं। अच्छा, आप खुद ही मतलब पैकेट वाला नहीं है? ना ना, कोई पैकेट वाला नहीं है,
मेरा अपना ही है। ओके। और ये देखो तंदूर का साइज, क्या बात है, हर एक चीज काउंट करती है। तंदूर का साइज इसलिए मैटर करता है कि आप जब बल्क में बनाओगे तो छोटा पड़ेगा तो वो बनेगा नहीं उसमें। अगर छोटा होगा ना तो वो हीट अब्जर्व नहीं करेगा अंदर, तो वो सीधा ही हीट बाहर निकाल देगा, तो तंदूरी चिकन जो बनेगा वो पूरी तरह टेंडर नहीं होगा। ये है जी मैरिनेटेड चिकन। मेरा चिकन 850-900 ग्राम का होता है, होल चिकन। होल चिकन ओके। तो साफ करने के बाद, अच्छा साफ करने के बाद, साफ करने के बाद तो मतलब 1 किलो का लगभग का लेते हो साफ करने के बाद? नहीं, किलो से कम होता है, किलो वाला नहीं लेते हम। अच्छा, उसका टेस्ट नहीं आता। ओके। 850-900 ग्राम का टेस्ट होता है और कलर नहीं डालते हम ज्यादा। अच्छा हाँ, ये बात ऐसा है। बिल्कुल, क्या बात है यार। चलिए तो सर। अच्छा मैं, मैंने बोला कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम, ये भी स्पेशल बनवाता हूँ मैं। ये देखो, ये सीख भी ना, जो सरिया भी आम मिलेगा नहीं, जो बाजार से मिलते वो मैं लेता नहीं। देख के पता चल रहा है सर, ये इतना मोटा है इसका, ये देख के पता चल ही रहा है। यही तो बात है अजी, क्वालिटी में कभी फर्क नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। कभी अप डाउन हुआ थोड़ा बहुत? नहीं, कभी नहीं। देखो जब हम कोई जगह से शिफ्ट करते हैं ना, कहीं भी शिफ्टिंग होती है, तो उस टाइम पे जब टेम्पररी 2-4 दिन की मुश्किल आ सकती है कह सकते हैं, बट परमानेंटली नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आज की मेरी वीडियो देख रहा है और 6 महीने बाद या 3 महीने बाद जब अमृतसर आ रहा है, क्वालिटी वही मिलेगी सर? 40 साल से ऊपर तो हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। BBC ने अगर कवर किया है, बिल्कुल, तो कोई ना कोई बात तो होगी। ये देखो भाई, ये इस तरह से इसको थोड़ी हीट लगाने के बाद ना हम इसको घी लगाते हैं, इसमें देसी घी कोट करते हैं। जितना इसको चाहिए वो ले लेगा, जितना नहीं चाहिए वो छोड़ देगा। मतलब हल्की सी हीट लगाई है आपने? हाँ जी। उसके बाद इसमें सीधे घी लगा दे। घी लगा, इससे तो आप मेरे को लगता है कि लोगों को दिखा दोगे कि हम कैसे बनाते हैं। लोगों को ये तो पता चल जाएगा, बट ये जो मैरिनेशन है, हाँ, खेल तो पूरा उसका ही है। हर एक चीज काउंट करती है, वो तो है। क्या देखो, अगर एग्जाम देते हैं ना हम, हाँ जी, पास होना है, हाँ, तो सारे सब्जेक्ट पास करने पड़ते हैं। भाजी इस मसाले की अगर बात करूँ तो इस मसाले के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, हल्का फुल्का? क्या बताऊँ, क्या है ये? ये ही सब कुछ है। अच्छा, बहुत कुछ है, टैंगीनेस है इसमें, थोड़ा खट्टापन है। ओके, नहीं वो तो मैं देख लूँगा, खा के देखो। मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लग रहा है, एक तो अजवाइन है, वो तो होती है, है ना, और थोड़ा सा नमक भी है, एक मेरे को अनारदाना की टेस्ट आ रहा है। भैया 26 मसाले हैं इसमें, अनारदाना भी है इसके। किस किस का नाम लोगे? लोग बाग अगर जो सोच रहे हो ये चाट मसाला रख दिया है तो वो नहीं है, नहीं, वो डेफिनेटली वो नहीं, ये अलग ही है, ये कहीं और से मिलेगा नहीं। तो गाइस आपको हम दिखा रहे हैं आज जो एक्चुअली तंदूरी चिकन की, जो वर्ल्ड फेमस तंदूरी चिकन, बट जो आर्ट होती है ना कुकिंग, जिसको आप बोल सकते हो कि हाँ यार ये लिटरली एक पैशनेट कुकिंग है, जिसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही यू नो सादा सत्कार के साथ बनाया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि खाना है, खाने को ऑब्वियसली बात है सर, बहुत रिस्पेक्ट देने पड़ेगी आपको। बिल्कुल, ये पहले है, ये सबसे पहले है। अगर आपको शौक नहीं है ना खाने का या बनाने का, तो खाना आपके लिए नहीं।
ऐसे नहीं है कि लोगों ने लगा देते हैं, लोग लगा दिया इसमें 5-10 मिनट 15 मिनट रख दिया, बाद में निकाल लिया, तंदूरी चिकन नहीं होता। भाजी पानी पिलाओ ना यार। जो बबल्स है ना इनू देख रहा हूँ ये मैजिक है। ये मैजिक है। अब इसको मैंने बंद कर दिया, ये भी टाइम है ढक्कन बंद करना। देखने वाली चीज़ ये भी है कि इसके अंदर देखो ये सफाई है पूरी, बहुत सही, कोई ये कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, वो सब बीच में ही होता है, रखी रहती है, पर हमारा बिल्कुल साफ ही रहता है, बिल्कुल एकदम साफ है। तंदूरी चिकन और कोई नहीं दे सकता, ये तो मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि ये मेरी USP है। तंदूरी चिकन ऐसा कोई नहीं बना सकता, मैं नहीं बोलता, लोग भी बोलते। ये आप थोड़ा खा के देखो, हो गया सही डन। हाँ जी, ये खा के देखो और फिर मेरे को बताओ। भाजी ब्रेस्ट पीस है ये ब्रेस्ट है, बट थाई से भी ज्यादा सॉफ्ट है। ये ऐसे कैसे करा आपने, मेरे को समझाओ सर इसको। आपके सामने ही है, मैंने समझ ही नहीं पाता ये इतना ब्रेस्ट पीस इतना सॉफ्ट है। मैंने कुछ नहीं किया भैया, ये अपने आप ही हो रहा है। गाइस लुक एट दिस, देखो को कहीं से जला तो नहीं है, कहीं से जला तो नहीं है या कच्चा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। ये कोई मैजिक तो नहीं है। ये गॉड गिफ्ट है, मैजिक नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है। तंदूरी चिकन है, ये फुल पोर्शन लिया है हमने और आप चेकआउट कर सकते हैं। ये देखें ये तंदूरी चिकन है, बहुत जूसी है यार, नहीं बहुत जूसी है। तो ये अमृतसरी फिश है इनकी, ये है इनका मटन टिक्का जो यहाँ पे सर्व किया जाता है। तो ले लेते हैं पीस, ब्रेस्ट पीस ट्राई करना चाहूँगा, ये ले लेता हूँ मैं, ये है ना, इसको यहाँ रखता हूँ, चटनी यहाँ पे रखते हैं, इसके साथ ट्राई करते हैं। ये देखें सही ज़्यादा है दोस्तों। अब एक बार ये भाई साहब,
दिस द मोस्ट जूसीएस्ट चिकन आई एवर हैड। आपको पता है जब अपन ब्रेस्ट पीस खाते हैं, जैसे इवन कि कभी कभार घर पे अपन चिकन भी लेके आते हैं, तो बच्चे जब घर पे खाते हैं ना, तो ब्रेस्ट पीस अगर उनके पास चला जाता है गलती से, तो वो उसको फेंक देते हैं, मुंह पे चबा चबा के निकाल देते हैं उसको। वो इतना मतलब गलता ही नहीं है मुँह में चबाने के बाद भी, और उसको या तो थूकना पड़ता है या फिर उसको निगलना पड़ता है, किसी तरह का कोई कलर नहीं है, जो नेचुरल जो कलर है वो निकल के आ रहे हैं। आप खुद देख सकते हो जो रोस्ट होता है ना तंदूरी चिकन, जो तंदूर में, ये देखो, ये देखो, ये है लेग पीस, ये देख रहे हो, तो ये कलर खुद कह रहा है कि हाँ बस वही वाला कलर नज़र आ रहा है जो जो तंदूर होता है, ये देखो रोस्ट होता है, ये देखो, देख रहे हो, कोई कलर नहीं इसमें। नहीं तो बहुत सारी जनता है जो इसको एकदम लाल कर देती है। ऊपर से जो उन्होंने मसाला डाला ना भाई, जिसके अंदर भैया ने बताया था कि 26 तरह के मसाले रहते हैं, तो वो कुछ मसाला है जो टेस्ट इसका और एनहांस कर रहा है ना, इस चीज़ को और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इतने सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं इस प्लेस को, और BBC जो न्यूज़ चैनल है उन्होंने इनको कवर किया हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है BBC न्यूज़ वालों ने इनको कवर किया हुआ है। इनकी जो तंदूरी चिकन ऐसे ही फेमस नहीं बोलती दुनिया यार, लिटरली उसमें कुछ है ना। देखो मटन टिक्का, ये एक बार चेक करें आप, आपको हल्का फुल्का सा इसमें लग रहा होगा कि मटन यार हल्का फुल्का सा यू नो फैल रहा है ना। इनका बनाने का तरीका इस तरह का है, अब एक बार आप चेक करें, पहले तो बोटी पे देखें, ये है मटन, और इसमें थोड़ा सा देखो आप देख रहे हो, जैसे इसको प्रेस करो ना, इसके अंदर आपको घी नज़र आ रहा होगा है ना, तो इसको मैं एक बार वैसे टेस्ट करना चाहूँगा। ये देखो ये ऊपर से प्याज डाले हुए हैं इसके अंदर, हरी मिर्च थोड़ी सी ऊपर से डाली हुई है, मटन तो है ही, और धनिया। मटन टिक्का बॉईल किया हुआ तो नज़र नहीं आ रहा मेरे को, बॉईल किए हुए मटन में अंदर तक है ना रेशेज, जो रेशे होते हैं ना अंदर वाले, जो मटन के रेशे होते हैं, वो रेशे आपके मुंह में आते हैं जब आप उसको बाइट लेते हो, ऊपर से भी आएंगे और नीचे से भी आएंगे, दोनों तरफ से रेशे आते हैं, बट इसमें मेरे को रेशे नज़र नहीं आ रहे। इसको मेरे को एकदम जो अपन जैसे तंदूरी चिकन खाते हैं, या फिर आप समझ लें कि जब चिकन टिक्का खाते हैं थाई बोनलेस वाला, थाई बोनलेस वाला जो अपन चिकन टिक्का खाते हैं ना, तो उसमें जो क्रंचीनेस आती है वो वाली क्रंचीनेस कुछ नज़र आ रही है मटन टिक्का में। बट मेरी रिकमेंडेशन पे मेरे ख्याल से उसके साथ कुछ ब्रेड वगैरह ले लो आप, वो बेस्ट जाएगी। मतलब या तो आप एक रुमाली ले लो, या फिर आप रुमाली नहीं लो तो आप एक कोई रोटी ले लो, उसके साथ तो एक खेल जाएगा। अमृतसरी फिश भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत लोगों की डिमांड है उस पर। ये देखें एक बार, आप एक बार इसका साइज़ चेकआउट करें पहले तो आप, ये देखें, ये देखो, ये देख रहे हो, और ये इवन बड़ा साइज़ नहीं, ये देखें थिकनेस इसकी, और सॉफ्टनेस चेकआउट करें आप, और मैं आपको एक्चुअली प्रॉपर ढंग से दिखाना चाहूँगा एक बार इसको उठा के, ये देखो भाई, ये देख रहे हो, प्रॉपर बिल्कुल वाइट फिश है, जो एकदम वाइट होती है ना, ये प्योर प्रोटीन होता है इसके अंदर, फ्रेशनेस को दर्शाती है भाई। पर मैं इसको विदाउट चटनी ट्राई करना चाहूँगा पहले। अब आप मेरे हाथों को देखो एक्चुअली, ये देख रहे हो, ये एक्चुअली इस चीज को दर्शा रही है कि ये कितनी तो फ्रेश है, और फ्रेश के साथ साथ भाई साहब कितनी जूसी है। फिश आप कभी भी खाते हो ना, चाहे कोई सा प्लेस हो, कितने भी प्लेस पे चले गए हो आप, चाहे इवन 500 होटल में भी चले गए हो ना, आपको फिश के अंदर एक हल्की सी आफ्टर टेस्ट, एक हल्की सी स्मेल जरूर आती है भाई, फिश में स्मेल ही नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात यह है आपको कोई स्मेल ही नजर नहीं आ रही, आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक लीन प्रोटीन खा रहे हो, और जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है। देखो हल्का हल्का सा फैट है, जिसको आपको पता है बहुत सारे लोग, हमारे वेजिटेरियन दोस्त जिसको फिश ऑयल के रूप में कैप्सूल खाते हैं ना, वो यही चीज़ है, देख सकते हो आप, ये है फिश ऑयल, जो आज की डेट में मेरे ख्याल से 100 टैबलेट्स आती है 1500 रुपये के लगभग, वो चीज़ है। अच्छा दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इनका जो मसाला था ना, चाट मसाला टाइप में काइंड ऑफ, बट चाट मसाला नहीं है वो,
वो इनका स्पेशल खुद का ही मसाला है, जो एक्चुअली मसाले तो भारतीय होते हैं, बट उनको बनाना किस तरह से, कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ मेजर करके डालनी है जो आपको एक प्रॉपर टेस्ट दे पाए, वो चीज़ होती है स्पेशल मसाला, वो चीज़ यहाँ पे सर्व की जाती है। और तंदूरी चिकन और फिश के ऊपर वो उसको हल्का सा स्प्रिंकल किया गया। अगर आप कभी भी यहाँ पे आ रहे हो, मेरी रिकमेंडेशन पे आप ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी लें, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप तीनों चीज़ें ट्राई करें। चलिए दोस्तों, मैं इस मील को करता हूँ इंजॉय, आपसे मिलता हूँ किसी और जगह, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर कर दें, और अमृतसर अगर आना हो रहा हो तो इस प्लेस को मार्क कर लें। थैंक यू सो मच गाइस।